दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री से बहुत ही दुखद खबर सामने आई। टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो सीआईडी में काम कर चुके एक्टर फ्रेडिक्स, जिनका की रियल नेम दिनेश फडणीस है, उनका 57 साल की एज में निधन हो गया है। पूरा टीवी इंडस्ट्री शोक में है और बताया जा रहा है उनके डेथ का कोर्स लीवर डैमेज एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है। तो इस वीडियो में बताएंगे दिनेश फडणीस की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। इनका रियल नेम है दिनेश फडणीस और निक नेम था इनका बॉबी और अदर नेम से इनको फ्रेडी या फ्रेडिक्स कहते थे। और फ्रेडी प्रोफेशन से एक्टर एंड राइटर थे। इनका फेमस रोल था इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स का टीवी शो सीआईडी में। इनका जन्म 2 नवंबर 1966 को बिहार इंडिया में हुआ था और इनकी डेथ 5 दिसंबर 2023 को कोटुंबा हॉस्पिटल मुंबई में हुई है। उस समय उनकी एज लगभग 57 साल थी और उनका डेथ का कोर्स बताया जा रहा है लीवर डैमेज एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो दिनेश ने अपनी स्कूल की पढ़ाई चौंगले हाई स्कूल श्री कृष्णा नगर बोरीवली ईस्ट मुंबई से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। दिनेश फडणीस एक इंडियन एक्टर और राइटर थे। उन्होंने मुख्य रूप से टीवी सीरीज में काम किया। दिनेश ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1993 में मराठी मूवी बावला हा मलावट रक्तम से की। उसी साल में वह टीवी सीरियल फासले में एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में दिखाई दिए। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट टीवी शो सीआईडी में इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स की भूमिका निभाने के बाद वह एक घरेलू नाम बन गए। वह शो में लगभग 20 साल तक रहे 1998 से लेकर 2018 तक। वही 1999 में इन्होंने मूवी सरफरोश से बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके डेब्यू करने के बाद 2000 में फिल्म मेला के गाने मेला दिलों का में भी नज़र आए और 2001 में वह बॉलीवुड फिल्म ऑफिसर में सुनील शेट्टी के साथ भी दिखाई दिए और 2019 में उन्होंने ऋतिक रोशन की स्टार्टर फिल्म सुपर 30 में भी काम किया। इसी साल में ये टीवी सीरीज सीआईएफ में कांस्टेबल शंभू तावड़े के भूमिका में दिखाई दिए जो दंगल टीवी पर प्रसारित हुआ था। एक्टिंग के अलावा उन्होंने एक मराठी फिल्म और कुछ हिंदी फिल्मों के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी है। उन्हें कविताएं लिखने का काफ़ी शौक है, साथ ही साथ ये शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं। 4 दिसंबर 2023 को दिनेश फडणीस को मुंबई के तुंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनके लीवर के डैमेज का इलाज चल रहा था और मेडिकल असिस्टेंट के लिए वो वेंटिलेटर पर भर्ती थे। कथित तौर पर फडणीस को दिल का दौरा भी पड़ा था लेकिन टीवी सीरियल सीआईडी में उनके साथी दयानंद सेट्टी ने इन दावों को खारिज कर दिया और डेथ का कोर्स बताया लीवर डैमेज। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो ये इनके पेरेंट्स हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। इनकी वाइफ का नाम नैना फडणीस है, जिनसे इनकी मैरिज 20 नवंबर 1993 को हुई थी और एक इनकी बेटी भी है जिसका नाम तन्वी भाटी है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि रहते कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहते थे। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास कार थी होंडा सिटी। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 12 करोड़ रुपए थी। तो ये थी दिनेश फडणीस की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।